हेलो दोस्तों, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश। फटाफट इंग्लिश में आज क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम हमारे लिए करना होगा, वो है हमारे चैनल विस्टम जॉब्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई और भी नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमारे नीचे हुए कमेंट बॉक्स पे एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा। आज देखते हैं हम फटाफट इंग्लिश में क्या सीखने वाले हैं। फटाफट इंग्लिश में आज हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स और कैसे सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, डैश डॉग्स डू नॉट बाइट। तो बेसिकली ये बहुत ही नॉर्मल प्रोवर्ब है जो हम आसान से हमारी जिंदगी डे बाय डे जिंदगी में देखते हैं और सुनते भी हैं कि डैश डॉग्स डू नॉट बाइट। तो अगर आप यहाँ पे ये ब्लैंक को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे दिया गया है डैश डॉग्स डू नॉट बाइट। तो बेसिकली आपको तो ये पता ही होगा कि जनरली मतलब जो डॉग्स भोंकते हैं वो काटते नहीं है, भोंकने वाले कुत्ता काटता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में बार्क दिया गया है, तो यहाँ पे हमें कौन सा सूट हो रहा है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यूज करके देखते हैं, टू बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बार्क आना ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टू बार्क मतलब एक कंटिन्यूशन लग रहा है, तो आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। तो अब देखते हैं बी ऑप्शन, बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट। बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट मतलब यहाँ पे कोई डॉग का ब्रीड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डॉग का कोई नाम है और वो बाइट नहीं करता है, ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि ये एक पॉपुलर प्रोवर्ब है दोस्तों, ये बहुत ही सारे लोग सुने ही होंगे ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं बी ऑप्शन भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है। अब बचा है दो ऑप्शन, और अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे भी इज है जो जैसे कि टू, तो यहाँ पे इस ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में एक सिमिलैरिटी है जो कि एक कंटिन्यूशन मतलब सेंटेंस के बीच में रहना है, इन जैसे वर्ड्स को हम सेंटेंस के बीच में यूज कर सकते हैं लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन अब देखते हैं, तो डी भी यहाँ पे रॉन्ग है, तो अब देखते हैं सी ऑप्शन, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बार्किंग लिखा गया है, तो ये है आपका पॉपुलर प्रोवर्ब, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट। तो दोस्तों बहुत ही आसान होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कभी कभी बहुत ही ईजी आते हैं, कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, हम आपके सामने बहुत ही सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। तो फटाफट वीडियोस को फॉलो करने के लिए पहले आपको हमारे विस्टम जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी नए टॉपिक के बारे में जानना हो, और अगर आपको फटाफट इंग्लिश के वीडियोस और भी कोई और टॉपिक के बारे में देखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।